अब क्या करें? जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी तू क्या कर सकता था, पर तू एक काम कर सकता है, अपने बाप की शादी को एक्सेप्ट कर ले और अपनी मां को भूल जा। हितिन भाई इनफ, हां, डोंट क्रॉस योर लिमिट, बिहेव योरसेल्फ, डोंट टीच मी, स्टॉप इट। क्या कर रहे हो? इतने बड़े होकर लड़ रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? पापा ने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। भले उन्होंने कोई रास्ता ना छोड़ा, पर मेरे पास एक रास्ता है। कितने क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। मौलिक उसको कुछ समझा। कितने चलेगा तू मेरे साथ? डरपोक है तू, डरपोक। हिम्मत नहीं है तुझे अपने बाप को छोड़ने की, वरना आज तू मेरे साथ चलता, तेरे भाई के साथ चलता। हितिन भाई, मैं चलती हूं तुम्हारे साथ। नहीं कादंबरी, मैं तो इस घर के बाहर कैसे भी मैनेज कर लूंगा, पर मैं नहीं चाहता कि मुझे मिलने वाली हर तकलीफ का सामना मेरी बहन को करना पड़े। भाई चुतारो, और सूरज और बिरवा का ख्याल सिर्फ तुम्हें रखना है, सिर्फ तुम्हें, ठीक है? चंपाकली, ओ चंपाकली, क्या जैसे हितिन? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अरे गुस्से में कोई घर छोड़ता है क्या बेटा? चंपाकली बैग लेके जा। चंपाकली कर रहा है। ठीक है, नहीं छोड़ के जाऊंगा। पर मेरी भी एक शर्त है। वो लड़की जिससे मेरे बाप ने शादी की है, वो ये घर छोड़ दे तो मैं नहीं जाऊंगा यहां से। है मंजूर? अपने बाप के सामने शर्त रखेगा तू? आज तक धनराज माहियावंशी के सामने शर्त रखने की हिम्मत नहीं की किसी ने। वो लोग डरते होंगे आपसे, मैं नहीं डरता। अरे सुन तो सही, तुझे हकीकत मालूम है किस हाल में उसने शादी की है? अरे सब कारीगर लोग हैं। अरे बात छोड़ो कारीगर, कारीगर आज इनके लिए इनके कारीगर उनके औलाद से बढ़कर हो गए। लीव इट मिस्टर मायावंशी, छोड़ दीजिए। अगर ये उम्र में इतना ही शौक था तो बाहर चले जाते। समझाओ, ये घर मैंने अपने बलबूते पर बनाया है, अपने बलबूते पर मैंने ये शहर बसाया है, लेकिन आज तक कभी अपने बाप से इस तरह बात नहीं की मैंने। आपके पिता ने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी जैसा मेरा बाप ने किया है। बस करो ना, बस करो, बस करो, जा बेटा, जा जा, तू जा ना बेटा, जा। छोड़ो ना बापू जी।
अच्छा हुआ इसकी माँ चल बसी, वरना बेचारी को ये दिन भी देखना पड़ता। एक बेटा अपने बाप को ही नीचा दिखा रहा है। हाँ अच्छा हुआ, वरना मेरी माँ को भी आपकी नई हरकतें देखनी पड़ती। सुखी तू खराब खा मुझे निकल जा रहा ना तेरे को बाहर जा तू निकल बोला घर में थी। दो दिन बाहर रहेगा तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। चल निकल निकल, कोई रोकेगा नहीं इसे। चल 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 हितेन भाई हितेन भाई आप घर छोड़कर मत जाओ। इस सब में मालिक की कोई गलती नहीं है, वो मालिक आपके पिता है। तुम सिर्फ धर्मराज मायावंशी की पत्नी हो और मेरी मां बनने की कोशिश कभी मत करना, कभी नहीं, समझी गई ना? आपके पिता ने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की होगी जो मेरे बाप ने की है। अच्छा हुआ, वरना मेरी मां को भी आपकी नई हरकतें देखनी पड़ती। बोलो। जय श्री कृष्ण धर्मराज भाई, सवेरे से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन ने इस बार आपको अवार्ड देने का निर्णय किया है, उसी के लिए आपको निमंत्रण देना था और सौमिल भाई खुद आपसे। धन्यवाद, पर सौमिल भाई को बोलना कि मैं नहीं आ पाऊंगा। जय श्री कृष्ण। मालिक। बोल। वो हितेन भाई घर छोड़कर कुछ सुना भी होगा तो अनसुना कर देना उसे। ये मेरे घर का मामला है, मैं संभाल लूंगा। तारी सलाह नहीं जरूर नहीं मना है, समझी गई ना? चल जा।